स्टूडेंट्स, टुडेज एज स्टार्ट्स न्यू टॉपिक ऑनलाइन क्लासेस इन वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी चैनल्स। प्लीज स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक हैज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी केयरफुल। बट स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड पॉइंट्स, प्लीज चैनल्स लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन्स प्रेस। ओके स्टूडेंट्स, on boards write the some important topics. This topic is collected NCERT book accordings. Please students be careful and see to on boards. Please starts the points. Classification based on the chemical formula, यानी chemical formula का हम classifications कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल फार्मूला साल्ट आर द क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। यानी साल्ट का जो केमिकल फार्मूला है फॉलोइंग टाइप्स के हैं, वो निम्न तरह के हैं जिनका हम क्लासिफाइड कर रहे हैं। इसको आप देखेंगे वन बाय वन कर। तो इसमें आपका नॉर्मल आर न्यूट्रल सॉल्ट्स। अब यहाँ पॉइंट आ रहा है, नॉर्मल आर न्यूट्रल सॉल्ट्स किसे कहते हैं? नॉर्मल का मतलब उदासीन, न्यूट्रल उदासीन। साल्ट क्या है? अब ये आपको हमने इसके अगले वीडियो में बता चुके हैं कि साल्ट किसे कहते हैं। व्हाट इज साल्ट? द साल्ट इज ए फॉर्मेट एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर अदर सब्सटेंसेस फॉर्मेट्स नोन एज ए साल्ट। यानी साल्ट वो होता है जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद वाटर के अतिरिक्त जो सब्सटेंस बनते हैं उन सब्सटेंसों को हम साल्ट कहते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया। आइए अब इसमें न्यूट्रल सॉल्ट्स की हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ए सॉल्ट दैट द डज नॉट द कंटेनिंग एनी रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन आयन इन द नॉर्मल सॉल्ट, इट इज द ऑब्टेंड बाय द रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन आयन ऑफ द एन एसिडिक बाय द मेटल्स आयन्स आर द अमोनियम आयन्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फोरस फॉस्फेट, सोडियम अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ईडीसी, दिस इज ए न्यूट्रल सॉल्ट्स। सोडियम रिएक्ट टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म द सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। फिर से एक बार रिपीटेड, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट टू हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ओके, यानी अभी हमने बताया कि न्यूट्रल सॉल्ट वे होते हैं जो किसी के साथ रिएक्ट करने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, ना हाइड्रोजन आयन रिप्लेसमेंट करेंगे ना अमोनियम आयन, इस तरह के किसी भी मेटल को रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं। इस तरह के साल्टों को न्यूट्रल साल्ट कहते हैं। ओके, आप बिल्कुल समझ लिए। व्हाट इज न्यूट्रल साल्ट? द न्यूट्रल साल्ट इज दो साल्ट इन विच डो नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ एनी मेटल आर नो हाइड्रोजन आयन्स रिलीज नोन एज ए न्यूट्रल सॉल्ट। आपने बिल्कुल क्लियर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, ईटीसी, ये जो है ये न्यूट्रल सॉल्ट है, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल में दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म द सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर एज ए न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट एज ए पी एस वैल्यू इज ए 7। कितना होता है? 7 होता है। बाई सॉल्ट्स आर द एसिड सॉल्ट्स, बाई सॉल्ट्स आर एसिड सॉल्ट्स किसे कहते हैं? इस पर डिस्कस करते हैं। ए बाई सॉल्ट आर एन एसिड सॉल्ट कंटेन्स रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन्स एसोसिएट विथ द एसिड रेडिकल, इट इज द ऑब्टेंड बाई द इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन आयन बाय द मेटल आयन
are ammonium ions. For example, sodium hydrogen carbonate, sodium hydrogen phosphates and the sodium hydrogen phosphates. ये जो है यानी sodium dihydrogen phosphate, sodium disodium hydrogen phosphates. ये जो दिखाई दे रहा है बाई salts are acidic salts. Okay? तो फिर से एक बार मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा. इस बात को समझने का कोशिश करिएगा कि बाई साल्ट ये वे साल्ट होते हैं जो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन्स रिप्रेजेंट करते हैं, उस कंपाउंड से रिप्लेसमेंट कर देते हैं हाइड्रोजन आयन को. तो ऐसे जो है कंपाउंडों को हम क्या कहते हैं, तो इन कंपाउंडों को बाई साल्ट और एसिड साल्ट कहते हैं. जैसा कि आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यह इसकी नेचर जो होता है यह जो है एसिडिक नेचर होता है. इसको किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा देंगे. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद यह जो है फॉर्म देता है आपका सोडियम कार्बोनेट और प्लस वाटर रिप्लेसमेंट हो जाता है. तो यहाँ आप ध्यान देंगे, इसको हम दिखा रहे हैं. प्लीज स्टूडेंट्स, दिस रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NaOH टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर. यानी दिस इज ए न्यूट्रल्स सॉल्ट. तो यह जो है साल्ट फॉर्मेट करता है. तो स्टूडेंट्स आपने इस चीज को समझ लिया, इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है. तो इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, होमवर्क्स आपको दे रहे हैं, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर चेक कराइएगा. तो राइट द क्वेश्चन, टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर एक, व्हाट इज न्यूट्रल सॉल्ट्स. रिपीटेड क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रल सॉल्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बाई सॉल्ट आर एसिडिक सॉल्ट विथ एग्जाम्पल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रल सॉल्ट्स ऑफ एग्जाम्पल. ओके, तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर चेक कराइएगा. ओके, थैंक यू.